दोस्तों, मसौढ़ी भारतीय राज्य बिहार में पटना जिले का एक शहर और एक नगर परिषद है। मसौढ़ी पटना जिले का एक अनुमंडल भी है और 1930 के दशक के अंत में महात्मा गांधी के आगमन के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ बिहार के मसौढ़ी शहर की कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में धनरुआ, पश्चिम में पालीगंज, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर, उत्तर में पुनपुन और नौबतपुर और दक्षिण में जहानाबाद से घिरा हुआ मसौढ़ी पटना जिला के अंतर्गत एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, जिनके नज़दीकी शहरों में जहानाबाद, हिलसा और पटना जैसे महानगर शामिल हैं। पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसौढ़ी के नज़दीक तीन नदियाँ दरधा, पुनपुन और मोड़हर बहती हैं, जो कि बारिश के मौसम में काफ़ी विकराल रूप धर लेती हैं, जिसमें से पुनपुन नदी एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम प्राचीन ग्रंथ में आता है। इस नदी का उल्लेख वायु और पद्म पुराणों में गया महात्म्य के संबंध में पुनः पुनः अर्थात बार बार के रूप में किया गया है, जो पुनपुन के रूप में बोलचाल प्रयोग किया जाता है। नदी को इस नाम से पुकारा जा सकता था क्योंकि ये अक्सर उफान में रहती थी। पुराणों में पुनः पुनः शब्द की आध्यात्मिक अर्थ में व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ है नदी में पितरों को बार बार अर्पण करने से सारे पाप दूर होते हैं। दोस्तों, मसौढ़ी सड़क और रेल से देश के अन्य हिस्सों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये पटना शहर से केवल 30 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पटना को वाया मसौढ़ी, जहानाबाद, गया और बोधगया के रास्ते डोभी से जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 बुद्धा सर्किट रोड का एक हिस्सा है। दोस्तों, इसके अलावा स्टेट हाईवे संख्या 1 इस अनुमंडल से होकर गुजरती है। मसौढ़ी पाली रोड, मसौढ़ी एकंगर सराय बिहार शरीफ रोड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। दोस्तों, मसौढ़ी में तीन बस स्टैंड हैं। पहला पूर्वी बस स्टेशन जहानाबाद गया के लिए NH 83 के माध्यम से पटना, धनरुआ, पवेरी, गौरीचक वाया स्टेट हाईवे 1 के माध्यम से। दूसरा तारेगना बस स्टेशन नदवा, पोथी, पुनपुन, मीठापुर, पटना के लिए वाया NH 83 और वाया NH 83। और तीसरा पश्चिम बस स्टेशन नूरा, पितमास, विक्रम, पटना के लिए पाली के लिए मसौढ़ी पाली राज्य राजमार्ग सड़क के माध्यम से। दोस्तों, बात अगर रेल मार्ग की करें तो मसौढ़ी पटना गया रेलवे लाइन का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। मसौढ़ी को तारेगना रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड TEA है, के नाम से भी जाना जाता है। वायुमार्ग के बारे में आपको बता दें कि मसौढ़ी के नज़दीकी एयरपोर्ट में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना सुमार है। दोस्तों, मसौढ़ी और इसके आसपास घूमने के लिए कई सारे स्थान हैं, जिनमें सुधा गार्डन दौलतपुर, निर्वाण चक गार्डन पटना, धनौती पिकनिक स्पॉट, शिव मंदिर मसौढ़ी, विश्वनाथ मंदिर मसौढ़ी, माँ काली मंदिर मसौढ़ी, देवी स्थान मसौढ़ी आदि सम्मिलित है। दोस्तों, मसौढ़ी में रुकने हेतु केसरवानी धर्मशाला सरीखे कई सारे होटल्स और लॉजेस सुमार हैं, जहां रुककर आप शहर के मनोरम नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बात अगर जनसंख्या की करें तो मैं आपको बता दूं कि 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार मसौढ़ी की कुल जनसंख्या 241,216 है। पुरुष आबादी का 52.1% और महिलाएं 47.8% हैं। मसौढ़ी की औसत साक्षरता दर
53.03% है, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04% से कम है। पुरुष साक्षरता दर 61.5% है और महिला साक्षरता दर 43.8% है। दोस्तों, मसौढ़ी में कुल जनसंख्या के 17% लोग 6 साल या उससे कम उम्र के हैं। दोस्तों, मसौढ़ी एक ग्रामीण उप शहरी आबादी का समूह है। छात्र मसौढ़ी आने के लिए आसपास के इलाकों से ट्रेन और बस लेते हैं। मसौढ़ी में कई सारे सरकारी और निजी स्कूल मौजूद हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर 3 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मौजूद हैं। मसौढ़ी के कुछ प्रमुख स्कूल कॉलेजों में पीपी पब्लिक स्कूल, संत मेरी स्कूल, बीवीएन स्कूल, गाइडेंस पब्लिक स्कूल, किनेसिस पब्लिक स्कूल, दिल्ली सेंट्रल पब्लिक स्कूल, दून ग्लोबल स्कूल, SMGK हाई स्कूल, DN कॉलेज, PLS कॉलेज, BLP कॉलेज, RRP कॉलेज, श्याम बिहारी सिंह पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज आदि सुमार है। दोस्तों, मसौढ़ी में एक सिनेमा घर भी है जिसका नाम है संध्या टॉकीज। मसौढ़ी में कई खेल के मैदान हैं, जिनमें से एक है ऐतिहासिक गांधी मैदान। दोस्तों, मसौढ़ी में कई तरह के त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, छठ पूजा, मकर संक्रांति, दशहरा आदि, जिनमें से छठ पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि मसौढ़ी एक नदी के तट पर बसा हुआ जगह है। बात अगर स्वास्थ्य सेवा की करें तो मैं आपको बता दूं कि मसौढ़ी में चिकित्सा हेतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल मसौढ़ी, निरोग हॉस्पिटल, श्री कृष्णा नर्सिंग होम, अवध हॉस्पिटल, अवध जांच घर आदि शुमार है, जहां इलाज कराने लोग दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, मसौढ़ी शहर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।